वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन मैं हूं आप टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस सो so, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है पार्टनर हैं ठीक है या कोई भी आपके लव इंटरेस्ट है उनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए आपके कनेक्शन के लिए क्या है सो so, ये एक टाइमलेस रीडिंग है जनरल रीडिंग है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है आप सबके लिए है आप सब देख सकते हैं गाइज़ ओके okay? तो चलिए शुरू कर लेते हैं लेकिन उससे पहले बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें ओके अगर आपको एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल चाहिए किसी भी इश्यूज के लिए या फिर लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ओके और अगर आप ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो आप टैरो का रीडर बनना चाहते हो आप क्लासेस लेना चाहते हो तो भी आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आई डीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइज तो ज़रूर चेक करें ओके तो चलिए देख लेते हैं तो so, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है बट यहां पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबको क्लैरिटी दे पाऊं ओके okay, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा चैनल मैसेजेस भी हम देख लेंगे ओके गिव मी फ्यू सेकेंड्स गाइड फिर हम शुरू करते हैं तब तक आप रिलैक्स करें आईज़ क्लोज करें कंसंट्रेट करें अपने कनेक्शन के ऊपर या फिर जिसके भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर शुरू करते हैं Let's start. ओके okay, आपके जो पर्सन है करेंटली बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके कनेक्शन को लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं अच्छा फील कर रहे हैं ओके फ्यूचर के बारे में भी उनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव साइड में शिफ्ट कर रही है तो एक ऑप्टिमिस्टिक वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है जहाँ पर जो होप्स हैं वो रिबिल्ड हो रहे हैं जहाँ पर जो ट्रस्ट है वो रिबिल्ड हो रहा है ओके okay, जहाँ पर जो फेथ है वो यहाँ पर फिर से गेन हो रहा है आपके कनेक्शन में सो so, आपके पर्सन इस वक्त डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक है कुछ चीज़ें ज़रूर उन्हें महसूस हुई है या हो सकता है आपसे बात हुई हो रिसेंटली या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उन्हें यू नो फील हुआ है आपके कनेक्शन को लेकर जिसकी वजह से वो जो है बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर करेंटली तो ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स यहाँ पर करेंटली मौजूद है जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर के बारे में ज़रूर से ज़रूर सोच रहे हैं ओके ओके सो यहाँ पर और एक चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि करंटली ये पर्सन हो सकता है कि एक्सपेक्ट uh, कर रहे हैं कि आप उनसे बात करो या फिर आप जो है ना एक्सप्रेस uh, करो या कन्फेस करो या फिर अगर आप दोनों की कांटेक्ट अभी हो रही है तो वो चाह रहे हैं कि आप अपना दिल जो है खुल के खोल के बात करें आप क्लियरली सारी चीज़ों को कहें बट उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं ठीक है बहुत ज़्यादा आप अपने अपने एनर्जी को रोक कर रखा हुआ है अपने अंदर छिपा कर रखा हुआ है अपने फीलिंग्स अपने थॉट्स को बयां भी नहीं कर रहे हो ना शो कर रहे हो ना कुछ प, पता चलने दे रहे हो सो so, ये इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर परेशान है ये इंसान करेंटली सोच रहे हैं देखिए इन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप कैसा फील करते हो उनके लिए और वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो लेकिन उन्हें ये बात का समझ नहीं आ रहा है करेंटली कि आप गार्डेड क्यों हो चुके हो आप क्यों यू नो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो या कुछ शो नहीं कर रहे हो सो so, अगर नो no कॉन्टेक्ट है तो ये इंसान हो सकता है कि सोशल मीडिया में आपको देखते हो ओके okay? या फिर अगर आप लोग पास पास रहते हो म्यूचुअल कोई फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है आपके बारे में इन्हें पता है कि आप डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो तो इनको ये नज़र नहीं आता है कि आप उनके लिए यू you नो know, कुछ फील करते हो या फिर आप उन्हें चाहते हो वापस या फिर इस रिश्ते के लिए कोई काम करना चाहते हो तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा गार्डेड हो चुके हो जहां पर ना आप कुछ चीजें सुनना चाहते हो और ना कुछ चीजें आप कहना चाहते हो तो ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन करेंटली आपको देख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं अंज्यूम हो सकता है कर रहे हो उन्हें ऐसा लग जरूर रहा है कि आप जो है इस वक्त बहुत ज्यादा गार्डेड हो चुके हैं और आपको ना इस वक्त कुछ सुनना पसंद हो रहा है और ना कुछ आप बोलना चाह रहे हो ठीक है तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश की लेकिन उनको ऐसा फील हुआ कि अगर ये बात करेंगे आपसे तो आप वैसे ही एनर्जी शो करोगे ग्रेजिस्टेंट शो करोगे ठीक है और आप जो है अपने गार्ड्स जो है खड़े कर दोगे और इस पर्सन का ना ही कोई जस्टिफिकेशन सुनोगे ना क्लैरिफिकेशन सुनोगे और ना खुद कुछ कहोगे ठीक है तो ऐसी वाली फीलिंग इस पर्सन को हुई है तो ये भी चांसेस है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको कॉन्टैक्ट किया था बट आपने हो सकता है कॉल रिसीव नहीं किया हो सकता है कि आपने रिप्लाई नहीं दिया या फिर दिया भी तो बहुत ज्यादा यू नो कैजल तरीके से दिया तो इस पर्सन को वो एनर्जी जो है इस इंसान ने ना भाप ली कि कहीं ना कहीं आप जो है गार्डेड हैं इस वक्त और इस वक्त आप कुछ भी नहीं करना चाहते ठीक है ना कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं ना प्यार करना चाहते हो आप बस थोड़ा रिलैक्सेशन शांति चाहते हो आपके कनेक्शन में और खुद के जिंदगी में भी तो ऐसा इस पर्सन को कहीं ना कहीं जरूर फील हो रहा है करंटली ओके okay? एक पार्टनरशिप इंसान जरूर चाहते हैं आपके साथ लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई आता है बीच में तो नहीं कहूंगी लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन का कनेक्शन के पीछे कोई जरूर पड़ जाता है ठीक है तो ये कोई लोग हो सकते हैं ठीक है कोई आ, 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 कोई यू नो कोई भी लोग हो सकते हैं ठीक है फ्रेंड फैमिली और समवन एल्स और या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे से आ, प्यार करना चाहते हो एक दूसरे के करीब आना चाहते हो लेकिन कोई सिचुएशन आप लोग का साथ नहीं देती ठीक है बार बार ऑब्स्टेकल आ जाते हैं या कुछ रुकावटें आ जाती है जो आप दोनों के कनेक्शन का पीछा छोड़ता ही नहीं है तो आपके पर्सन ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो बट पीछे कुछ चीज़ें ऐसी पड़ जाती हैं जो आप लोगों को दूर खींच लेती है एक दूसरे से तो ऐसे करंट फीलिंग्स में भी है तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर ये इंसान अटैच्ड फील कर रहे हैं आपके साथ और यू you नो know, एक यूनियन में आना चाह रहे हैं करीब आना चाह रहे हैं पास आना चाह रहे हैं बट इनको ना थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेकर परेशानी हो रही जैसे आप जैसे आपका चुप रहना या फिर आपका यू you नो know, एनर्जी को वापस ले लेना आपका बात ना करना ओके okay? और आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी है तो उससे छुटकारा कैसे पाएं ठीक है उससे हल कैसे निकालें तो ये सारे तमाम चीज़ों में आपके फर्स्ट पर्सन जो हैं कही कहीं ना कहीं स्टक हैं ठीक है थीके? ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि कैसे यू you नो know, इन सारी चीज़ों से निकले कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पाए कैसे इन चीज़ों से यू नो सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ा जाए आपके तरफ तो ये तमाम की चीज़ें आपके पर्सन की फीलिंग्स जहां आ, आ मतलब अच्छा पर भी वो हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे एम्प्लॉयड हो कोई भी हो तो मुझे लगता है कि अपने लाइफ में भी कहीं ना कहीं लाइफ में धीरे धीरे बैलेंस भी रह रहे हैं ठीक है लाइफ में भी चीजें यू नो इनके आगे बढ़ रही है सो ये इंसान जो है ना आपको लेकर सोच रहे हैं मुझे यहाँ लगता है कि इस इंसान कि लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं प्यार ये है इंसान आपसे ही करते हैं ठीक है अगर ये किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में चले गए हों किसी और से भी इन्होंने शादी कर ली हो यू नो सो मुझे लगता है तब भी इनके दिलो दिमाग में बस आप रहते हो ठीक है तब भी ये होप्स रह इनके दिल में खोप रहता है कि आपसे ये कभी मिल पाएंगे या शायद आपके साथ कभी ना कभी सिचुएशन ठीक होगा तो दिलो दिमाग में आप हो बट हो सकता है कि आगे किसी और के साथ बढ़ रहे हो लाइफ में तो ये बहुत कम लोगों के लिए चांसेस हैं जिनकी ऐसी सिचुएशन है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पर्सन एक अलग ही होप में जी रहे हैं Uh, जिस होप के बारे में इनको पता नहीं है कि वो होप जो है रियलिटी में बदलेंगी या नहीं या फिर वो होप रखना इनके लिए सही है या नहीं बट स्टिल दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट ओके ऐसी वाली एनर्जी uh, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ नजर आ रही है देखिए ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके कनेक्शन में करंटली मूवमेंट जाते हैं ठीक है थीके? एक ऐसा ऐसा ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है आपके तरफ जहां पर कुछ भी uh, चीज़ें जो है ना रुके ना ठीक है लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितने बार ही आपके साथ स्मूथली आगे बढ़ने का सोचते हैं कुछ रुकावटें आ जाती हैं या कुछ चीजें टूट जाती है बीचों बीच तो चाहे हो सकता है आपका रिश्ता टूट जाता हो आप दोनों का बिलीफ सिस्टम इस कनेक्शन से हट जाता हो ठीक है या कुछ और प्रॉब्लम्स आते हो तो ये इंसान को हमेशा लगता है कि ऐसा क्या करें कि ये प्रॉब्लम्स बार बार फेस ना करना पड़े बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों एक रिपीटेड साइकिल में चलते हो जहां पर नो मैटर आप दोनों कितना एफर्ट्स डाल लेते हो लेकिन चीजें कभी भी वर्कआउट कर ही नहीं पाती है जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ चाहते हो ठीक है तो करेंटली मुझे लगता है कि ये इंसान इन प्रॉब्लम्स को समझ चुके हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में कौन सी चीजें आप दोनों को परेशान करती है कौन सी चीजें आप दोनों के रिश्ते में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीजें आपके पर्सन को नहीं करनी चाहिए ताकि ये कनेक्शन खराब हो टूट जाए बिखर जाए तो ये सारी चीजों को इस पर्सन ने जो है ये इंसान उन चीजों को कंसर्न में लेकर ये इंसान सोल्यूशन अब निकालना चाहते हैं उस चीज, ये चीज उनको खटक रही है बार बार कि यह प्रॉब्लम कैसे और, और इससे कैसे निकले कैसे हटाएं और कैसे फिर चीजों को सॉर्ट आउट करके इन्होंने ठीक करें ओके okay. सो so, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना वो आपके लिए बहुत इंटेंस लेवल का फील करते हैं ठीक है और करेंटली भी ऐसी फीलिंग्स हो रही है लेकिन जब वो इंटेंस फीलिंग करते हैं ना तब उनको चारों तरफ एक अंधेरा सा नज़र आ जाता है मतलब उनको कोई भी को, किसी भी तरीके का एक रास्ता नजर नहीं आता जिसके तरफ तरह से वो यू, यू नो आपको एक्सप्रेस कर पाए आपके तरफ आ पाए और जब वो बहुत इंटेंस फील करते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले ही वैसा फील कर रहे हैं और आपको वो दूर दूर तक महसूस नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि टेलीपैथी कनेक्शन की कमी हो सकती है या ऐसा हो सकता है कि यू you नो know, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो जब वो बहुत ज़्यादा यू नो इंटेंस लेवल पर आपके लिए इमोशनल लेवल पर फील करते हैं तब तो वो ऐसा महसूस करते हैं तो आप तो हो ही नहीं उनके पास ठीक है और आप तो शायद उन्हें उन, उनके लिए ऐसा फील ही नहीं कर रहे होगे तो वो अकेले ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं क्या उन्हें ऐसा महसूस करना चाहिए ठीक है क्या ये चीज़ें वन साइडेड हैं ठीक है तो ये तमाम चीज़ें पर्सन की करंटली चल रही है क्योंकि मुझे लगता है कि करेंटली ये इंसान अचानक अचानक से यू you नो know, बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हैं आपकी तरफ अट्रैक्शन आपकी तरफ पुल ठीक है आपकी तरफ इमोशनल अटैचमेंट लेकिन उनको फिर नज़र आ रहा है कि यार मैं कैसे आगे जाऊँ कैसे बात करूँ या फिर यू uh, नो you know, आप 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 भी उनके लिए ऐसा फील कर रहे हो या नहीं या फिर वो सारी चीज़ें वन साइडेड हैं तो ये वाली फीलिंग्स मुझे आपके पर्सन की तरफ से पूरी नज़र आ रही है गाइस कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी जो ये फीलिंग्स हैं वो वन साइडेड हैं शायद आप उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो शायद आप उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जितना ये पर्सन अपने आप को इन्वॉल्व महसूस कर पाते हैं आपके साथ तो ये बेसिकली यहाँ पर नजर आ रहा है ओके okay? सो so, मुझे लगता है कि इनको आपकी वाइफ फील नहीं हो पा रही आपका साथ फील नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि आप, आपके पर्सन को ऐसा अच्छा लगता है कि अगर आप सेपरेशन में इनके साथ तो आप बहुत ज्यादा ओके हैं ठीक है आपको सच मतलब कुछ आपको कुछ फील नहीं हो रहा है या फिर आपके मन में तड़प नहीं है और इस पर्सन को चाहिए अटेंशन हो सकता है ये पर्सन चाहते हो कि आप तड़पो उनके लिए यू you नो know, आप उन्हें चेस करो बट हो सकता है आप इन सारी चीज़ों को कर ही नहीं रहे हो ठीक है आप अपने आप को जितना स्टेबल हो सके जितना पीसफुल तरीके से आप रह सकते हो उतना रहने की कोशिश कर रहे हो अपने एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने इमोशंस को एक बैलेंस स्टेट में लाने की कोशिश कर रहे हो ठीक है तो मुझे लगता है कि ऐसी वाली फीलिंग्स आपके पर्सन की करणली बहुत ही ज़्यादा चल रही है ओके ये इंसान आपका साथ चाहते हैं एक सपोर्ट चाहते हैं इनको ऐसा लगता है कि आपका सपोर्ट अगर इन्हें नहीं मिला तो शायद ये अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पाएंगे मतलब जब आप इनके साथ थे तो इनको ऐसा फील होता था कि आप बहुत ज्यादा इनको ना यू नो इवॉल्व कर सकते हो आप उन्हें एक बेटर पर्सन बना सकते हो उनकी जिंदगी में बहुत अबंडेंस ला सकते हो और बहुत ज्यादा बहुत कुछ आपसे सीख सकते हैं ये पर्सन बट तो अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट है सेपरेशन है तो करेंटली वो चीज़ महसूस कर रहे हैं कि आपका सपोर्ट इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है तभी वो इंसान अपने लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे और एल्स उनकी लाइफ जैसी है वैसी ही रह जाएगी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे या फिर वो जो एक जज्बा जो सिर्फ उन्हें आप देते थे हो सकता है सिर्फ आप ही उनको बहुत ज़्यादा इंक्रेज करते थे या उन्हें आइडियाज़ देते थे यू नो या फिर सपोर्ट करते थे हमेशा उनकी सुरक्षा करते थे तो वो वाली फीलिंग्स उनको ना किसी के तरफ से नहीं मिल पाती है चाहे कोई फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो फ्रेंड क्यों ना कोई भी हो उनकी तरफ से उनको वो वाली वाइफ नहीं मिल पाती है जो आपसे उन्हें मिला करती थी तो उन्हें ऐसा ये भी महसूस हो रहा है कि आप उनके अल्टीमेट पार्टनर अल्टीमेट सपोर्टर अल्टीमेट अल्टीमेट जो है ना कंपेनियन है तो वो आपके बिना कैसे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे कैसे लाइफ में अचीव करेंगे और कैसे लाइफ में यू नो बहुत बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड रह पाएंगे आपके बगैर ठीक है जिंदगी तो कोई भी काट सकता है ठीक है किसी के बगैर भी लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके आपके बिना अगर ये लाइफ को इन्होंने कंटिन्यू कर दिया तो इस लाइफ टाइम में ये पर्सन जो है बहुत सारी चीजों को खोकर इस दुनिया से जाएंगे बहुत सारी चीजों को अनफुलफिल कर, कर जाएंगे और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ इस जिंदगी को अलविदा कहेंगे तो ये तमाम करेंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही है जहां पर ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से सोच रहे हैं डिसअपॉइंटेड भी हैं प्रॉब्लम्स को लेकर सिचुएशंस को लेकर आप दोनों के बीच में कंक्लूजन तक चाहते हैं और आपको भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एकदम गार्डेड क्यों हो चुके हो क्यों आप उन्हें कुछ फील नहीं करने दे रहे हो क्यों आप उनसे यू नो बात नहीं करना चाह रहे हो या फिर क्यों जो है आपके तरफ से वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्यों वो अकेला फील कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आप अभी भी उन्हें चाहते हो तो ये तमाम चीजें करंट फीलिंग्स जो है इस पर्सन की डेफिनेटली चल रही है गाइज ओके okay, सो so ये इनके करंट फीलिंग्स थी गाइज इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी इसे मैं साइड में रख देती हूँ फिर हम देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज आपके लिए ओके तो चलिए इसे मैं साइड में रख देती हूँ एंड देन लेट्स सी कि चैनल मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए ओके okay? और गाइडेंस भी देख लेंगे ओके okay? अगर कुछ गाइडेंस आपको मिल रहा है तो तो वी हैव आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ यू बिकॉज आई गेट इमोशनल आई थिंक ऑफ यू डेफिनेटली इमोशनल हो जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं इसी वजह से उन्हें महसूस होता है कि आपके बगैर ये कैसे बहुत एक लॉन्ग टर्म में कैसे कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ों को स्टेबल रखकर वी हैव आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है बहुत आपको यू नो परेशान किया है बट स्टिल देन ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं और अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो ये इंसान आपके साथ ही मैरिड लाइफ कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफें दी हुई हैं ऑलरेडी हाउ मच आई हैव टू वेट ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स तो कुछ दूरियाँ हो सकती हैं मन की दूरियाँ हो या ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो ऑनलाइन डेटिंग हो ठीक है या मन की दूरियाँ हो हो सकता है पास होकर भी दूर हो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है और ये दूर नहीं रहना चाहते हैं तो वेट कर करके पेशेंस कर करके ये इंसान थक चुके हैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर ये फील करते हैं आपके साथ ओके और यहाँ पे आई एम सो बर्डन प्लीज़ होल्ड माई बैक योर बेबी लव्स यू तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप ही उनके अल्टीमेट सपोर्टर हो अल्टीमेट लाइफ कम्पेनियन है और बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं बहुत सारी तमाम चीज़ों के लिए तो इंसान चाहते हैं कि आप उनके पास रहो आप उन्हें समझो ठीक है आप उन्हें माफ कर दो अगर उन्होंने कोई गलती की आप उन्हें और एक मौका दो ओके okay? ऐसी वाली एनर्जी यहाँ नजर आ रही है वी हैव मैं गिल्टी है मेरी गलती है आप बोझ बनती जाती इट वॉज नॉट योर फॉल्ट तो यस डेफिनेटली आ, ये इंसान जो है ख़ुद से एडमिट कर चुके हैं कि इनकी क्या क्या गलतियां रही हैं किस वजह से जो है इस पर्सन ने आपके साथ बिहेव किया या जो भी चीज़ें हो सकती हैं इनकी तरफ से जो गलतियां रही हैं उन सारी चीज़ों को ये इंसान समझ चुके हैं इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है ठीक है भले ही आपको मुँह पे आके ना बोले मुँह अपोलॉजी ना मांगे लेकिन इनको खुद से एहसास है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है और इन्हें क्या नहीं करना चाहिए था सो चलिए देख लेते हैं कुछ गाइडेंस अगर आपको इस कनेक्शन को लेकर मिल सकता है तो देख लेते हैं क्या है यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे हमारे पास है टू ऑफ कप्स वाओ गाइस वाओ सो गाइस ये प्यार बहुत ज्यादा सेक्रेट लव है ठीक है इस प्यार में सच्चाई है ठीक है इस प्यार में एक प्योरिटी है सो तो आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि अगर आपका प्यार सच्चा है अगर आप अपने तरफ से लॉयल हो आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने प्यार में बहुत कुछ दिया है आपने अपने प्यार में कभी भी चीटिंग नहीं की कभी भी आपने जो है कुछ चीज़ें गलत नहीं की कभी कुछ चीज़ें हिडन नहीं रखी तो अपने प्यार पर विश्वास करो क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपके जो लवर हैं या फिर जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो वो आपके प्यार को ज़रूर रिकॉग्नाइज कर कर आपके पास वापस आएंगे यही गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहती है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्यार सच्चा है लेकिन आपको इस पर्सन से कुछ भी नहीं मिला तो एटलीस्ट उस चीज़ की वजह से अपने आप को ना बदलें ठीक है अपने आप को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना करें और अपने आ, प्यार को यू you नो know, कुछ गलत चीज़ों को करके यू नो लाइक सबके तरह ना बन जाए तो ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती है बिकॉज अगर आपका प्योर आपका अगर लव प्योर है तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा भले आप इस पर्सन को अपनाओ या नहीं अपनाओ लेकिन इस पर्सन को एहसास ज़रूर होगा आपके इम्पोर्टेंस का आपकी वैल्यू का और वो आपकी कदर ज़रूर करेंगे और अगर सेपरेशन है तो वो आपके पास जरूर लौटेंगे माफ़ी भी मांगेंगे और आप आपको यू नो आपसे मौका मांगने भी आएंगे आपको फिर से पाने के लिए बाकी तो आपका डिसीजन होगा कि आप उन्हें अपनाते हो या नहीं लेकिन आपको अपने इस लव लाइफ में इस कनेक्शन में जस्टिस ज़रूर मिलेगा ये यूनिवर्स आपको कहना चाहती है ठीक है और जस्टिस तभी मिलेगा अगर आप का प्यार सच्चा है तो ठीक है अगर आपने कभी कोई गलतियाँ नहीं की है एग्जिस्टिंग कनेक्शन में ओके सो ये आपको यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहती है सो so गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग आई होप आपको पसंद आया अब पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय